बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज गैस कूल थर्मल रिएक्टर एंड द रिमेनिंग रिएक्टर टू टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट। टुडे वी विल एंड द चैप्टर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड न्यूक्लियर रिएक्टर। सो देयर आर two major reactor, pressurized water reactor and boil water reactor, which we already studied, and today we will try to quickly overview the remaining type of reactors, so we can know there are other types and they can also be considered as a nuclear power plant. So the next model is gas cooled thermal reactor. Natural uranium graphite moderated reactor were developed in the United States during the World War II for conversion of U-238 to PU-239 for military purpose. जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में ही जो है न्यूक्लियर बॉम्ब का कंसेप्ट आया और अमेरिका ने इसको बनाया, तो उस वक्त जो है ये गैस कूल थर्मल रिएक्टर यूज़ किए गए जो यूरेनियम को प्लूटोनियम में कन्वर्ट करते थे और प्लूटोनियम जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब में इस्तेमाल होती थी। तो ये जो रिएक्टर थे इसमें यूरेनियम जो है वो नेचुरल होती थी, उस वक्त तक अभी इनरिचमेंट की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं हुआ था, तो जो नेचुरली यूरेनियम मिलती थी उसी को यूज़ किया जाता था और ग्रेफाइट को एज ए मॉडरेटर यूज़ करते थे। फॉलोइंग द वार दिस टाइप ऑफ रिएक्टर फॉर्म द बेसिस ऑफ ए न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एंड सेवरल अदर नेशन। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग देयरफॉर दैट द नेचुरल यूरेनियम fueled reactor become the starting point of the nuclear power industry, especially in the nations such as Great Britain and France, which at that time lacked the facility of producing the enriched uranium necessary to fuel reactor of the light water type. तो वर्ल्ड वार टू के एंड पे जो है ये टेक्नोलॉजी अभी इतनी ज़्यादा आम नहीं हुई थी और इसको एक सीक्रेट टेक्नोलॉजी के तौर पे लिया जा रहा था, क्योंकि अमेरिका ने जो है इसको जब एटॉमिक बम का मुजाहरा किया उससे नज़र आया कि जिसके पास एटम बम होगा वही सुपर पावर होगी और वही सबसे पावरफुल कंट्री होगा और दूसरे उससे डरेंगे, तो इसलिए इस टेक्नोलॉजीज़ को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बहुत सीक्रेट रखा गया। और उस वक्त जो ब्रिटेन और फ्रांस, हालाँकि वो अलायंस थे अमेरिका के, लेकिन उसने इनको भी ये टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहता था, तो इन लोगों ने जो है फिर अपने तौर पे काम किया, लेकिन इनरिचमेंट की टेक्नोलॉजी इनके पास भी नहीं थी, तो इनके लिए भी बेहतरीन चॉइस यही नेचुरल यूरेनियम वाले रिएक्टर थे। बोथ ऑफ दिस कंट्री हैव नाउ कंस्ट्रक्टेड डिफ्यूजन प्लांट्स, हाउएवर द एंड रीसेंट वर्जन ऑफ ब्रिटिश एंड फ्रेंच रिएक्टर यूज इनरिच फ्यूल। यानी अब जो गैस कूल्ड रिएक्टर हैं उसमें इनरिच यूरेनियम इस्तेमाल होती है, लेकिन जो फर्स्ट 20 ईयर 30 ईयर थे उसमें नेचुरल यूरेनियम यूज होती थी। ब्रिटिश एंड फ्रेंच पावर रिएक्टर ए क्लोज लूप गैस कूलिंग सिस्टम वाज अडॉप्टेड अर्ली ऑन। ये जो है आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि एक क्लोज लूप है जिसके अंदर जो है ये रिएक्टर है जिसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूल लगा हुआ है, और यहाँ से जो है ये येलो कलर की जो है ये लिक्विड सॉरी गैस है जो कि इसके अंदर फ्लो करती है और वो हीट अप होके जाती है हीट एक्सचेंजर को, और हीट एक्सचेंजर में दूसरी जानिब से जो है वाटर आता है वो स्टीम में कन्वर्ट होके टरबाइन को चला जाता है, जबकि ये अपनी हीट एक्सचेंज करने के बाद गैस सर्कुलेटर
या एयर सर्कुलेटर पंप के जरिए जो है वो वापस न्यूक्लियर रिएक्टर में वापस आ जाता है। तो ये एक लूप दिखाई गई है, इसी तरीके से 2 से 4 लूप जो हैं वो किसी एक रिएक्टर के साथ अटैच होती हैं। दिस प्रोवाइड कंटेनमेंट एंड द कंट्रोल ओवर रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड प्रोड्यूस इन आर अब्जॉर्ब बाई द कूलेंट। तो इस तरह जो है अगर आप 2 साइकिल प्लान बनाते हैं तो जितनी भी रेडियो एक्टिविटी है वो फर्स्ट साइकिल में रहती है और सेकंड साइकिल जो है वो इससे सेफ रहता है। इन दीज रिएक्टर द कूलेंट गैस इज CO2। दिस गैस इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग अब्जॉर्बर ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन एंड इट डज नॉट बिकम एक्सेसिव रेडियो एक्टिव। एट द सेम टाइम CO2 इज केमिकली स्टेबल बिलो 540 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डज नॉट रिएक्ट विद एदर द मॉडरेटर और द फ्यूल। तो यहाँ पे CO2 गैस जो है वो ज़्यादा यूज होती है और उसकी क्वालिटीज़ बताई गई हैं कि वो एक तो जो है न्यूट्रॉन को स्लो डाउन नहीं करता, दूसरे नंबर पे जो है क्योंकि नेचुरल यूरेनियम है आपके पास न्यूट्रॉन कम है तो आप नहीं चाहते कि वो जो है कूलेंट के अंदर मौजूद कूलेंट ऐसा यूज़ करें कि वो जो है उसमें से कुछ अब्जॉर्ब हो जाए और फिर आपको चेन प्रोसेस चलाने में मुश्किल हो। तो CO2 गैस जो है वो अब्जॉर्बर नहीं है, एक ये इसका फ़ायदा है। उसके दूसरे नंबर पे जो है वो स्टेबल है 540 डिग्री सेंटीग्रेड तक, वो किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करती। और तीसरे नंबर पे जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट को अपने अंदर बहुत कम अब्जॉर्ब करती है, तो इसलिए जो है वो हीट एक्सचेंजर और उस तरफ जो है रेडियो एक्टिविटी कम पाई जाएगी। द रिएक्टर कोर इज ए 16-साइडेड स्टैक ऑफ इंटरकनेक्टेड ग्रेफाइट ब्रिक्स विच कंटेन वर्टिकल फ्यूल चैनल्स अरेंज इन ए स्केयर लैटिस। तो ये जो है आप देखेंगे तो ये जिस तरीके से शेप आपको नज़र आ रही है, ये 16-साइडेड जो है वो एक सिलेंड्रिकल तो नहीं हम कह सकेंगे, हेक्सागोनल टाइप कह लें शेप होती है जिसके इर्द गिर्द ग्रेफाइट्स के 16-साइडेड वो होते हैं और दरमियान में ये फ्यूल रॉड्स हैं जिनके अंदर जो है हम फ्यूल रखते हैं। द फ्यूल कंसिस्टिंग ऑफ स्लाइटली इनरिच्ड 1.4 to 2.6 इन डिफरेंट जोन्स UO2 पैलेट इन स्टेनलेस स्टील ट्यूब विच इन टर्न आर लोकेटेड विद इन ए ग्रेफाइट स्लीव फ्रॉम ए सिंगल फ्यूल एलिमेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ डेंसिटी की शेप्स नज़र आ रही होंगी, मुख्तलिफ इनके अंदर सुराख के लेवल हैं, तो बेसिकली ये मुख्तलिफ इनरिचमेंट को शो करती हैं कि कुछ जो है वो हाई जो कोर के अंदर होंगी वो हाई इनरिच्ड होंगी, जो उससे बाहर होंगी वो ज़रा कम इनरिच्ड होंगी और उसके बाहर जो है वो नॉर्मल होंगी। तो ये आजकल के मॉडर्न जो रिएक्टर हैं उसमें इस तरीके से जो है वो कंपोजिशन की जाती है, लेकिन जो इनिशियली था उसमें जो है टोटल नेचुरल यूरेनियम यूज होती थी। दीज फ्यूल एलिमेंट्स आर अरेंज इन द फ्यूल चैनल इन सच ए वे दैट द CO2 कैन पास स्मूथली बिटवीन द फ्यूल एंड द मॉडरेटर। ये जो सारे हेक्सागोनल शेप्स हैं इनके दरमियान इतना गैप होता है कि जिसमें से जो है वो गैस जो है वो मूव कर सकती है और वो इस मूवमेंट के दौरान जो है अपनी हीट अब्जॉर्ब कर लेती है। CO2 फ्लो अप थ्रू द चैनल इन द कोर इनटू द प्लेनम एंड देन थ्रू वन और द अदर ऑफ सेवरल स्टीम जनरेटर सराउंडेड टू द कोर। जैसे मैंने कहा कि 2, 4, 6 इस तरीके से वो स्टीम जनरेटर अटैच हो सकते हैं किसी एक रिएक्टर के साथ, डिपेंडिंग ऑन कि उस रिएक्टर की कैपेसिटी क्या है और स्टीम जनरेटर की कैपेसिटी क्या है। फॉर द स्टीम जनरेटर द CO2 गोज थ्रू गैस सर्कुलेटर, ये जो गैस सर्कुलेटर पंप है
इसे ब्लोअर भी कहते हैं, दैट प्रोवाइड पंपिंग पावर फॉर द गैस एंड द साइकिल इज कंप्लीट। द कोर स्टीम जनरेटर एंड द सर्कुलेटर आर लोकेटेड इन ए लार्ज प्री स्ट्रेस कंक्रीट रिएक्टर वेसल। ये सारी चीज़ें जो है एक कंक्रीट की बनी हुई बिल्डिंग में होती हैं, चाहे ये हीट एक्सचेंजर है, ये पंप है, ये रिएक्टर है, ये सारी चीज़ें जो है वो कंक्रीट की बनी हुई में शेप में है, जिसको हम रिएक्टर वेसल भी कहते हैं। वन ऑफ द ग्रेट एडवांटेजेस ऑफ गैस कूल्ड रिएक्टर इज देयर हाई थर्मल एफिशिएंसी। द प्लांट प्रोड्यूस सुपर हीटेड स्टीम एट अप्रॉक्सीमेटली 540 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 16 मेगा पास्कल। इट ऑपरेट्स एट द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द 40%। तो यहाँ पे आप देखें तो प्रेशराइज वाटर रिएक्टर या बॉइलिंग वाटर रिएक्टर के नस्बत यहाँ पे टम्परेचर भी हाई है, प्रेशर भी हाई है, और इसी वजह से जो वहाँ पे एफिशिएंसी 30 से 35 के दरमियान होती है, यहाँ पे 40% इसकी एफिशिएंसी है इस रिएक्टर की। अब हम बात करेंगे एक और टाइप ऑफ रिएक्टर की, जिसको कैंडू रिएक्टर के नाम से मशहूर है। और अगर आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, जो कैनप कराची में पहला पाकिस्तान का न्यूक्लियर रिएक्टर बना था, तो वो भी कैंडू रिएक्टर था। द कैनेडियन हैवी वाटर रिएक्टर नोन एज कैंडू, द एक्रेनम फॉर द कैनेडा ड्यूट्रियम यूरेनियम, कैन फ्राम कैनेडा, डी फ्राम ड्यूट्रियम एंड यू फ्राम यूरेनियम, हैज़ बीन सक्सेसफुल इन कैनेडा एंड हैज़ बीन एक्सपोर्टेड अब्रॉड। द हैवी वाटर रिएक्टर कैन ऑपरेट ऑन नेचुरल यूरेनियम बिकॉज द अब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन ऑफ ड्यूटेरियम फॉर थर्मल न्यूट्रॉन इज वेरी स्मॉल, मच स्मॉलर फॉर एग्जाम्पल दैन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ऑर्डनरी हाइड्रोजन। इसमें जो है हम लाइट वाटर के बजाय हैवी वाटर को यूज़ करते हैं, और हैवी वाटर इसलिए हम कहते हैं, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इन मैट्रिक एफएससी लेवल के, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, तो जिसमें से जो पहला है वो हाइड्रोजन ही कहलाता है, दूसरे को हम ड्यूट्रियम और तीसरे को हम ट्रिटियम कहते हैं। तो जो ड्यूट्रियम है इसको जो है, जब इसके साथ ऑक्सीजन के साथ ड्यूट्रियम वाला होता है आइसोटोप, तो वो हैवी वाटर बनता है। तो वाटर और हैवी वाटर दोनों कूलेंट के तौर पे यूज़ होते हैं, लेकिन हैवी वाटर जो है वो उसकी जो न्यूट्रॉन अब्जॉर्प्शन पावर है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू लाइट वाटर, नॉर्मल वाटर। तो इसलिए जो है इसको यूज़ किया जाता है कैंडू रिएक्टर में, क्योंकि कैंडू रिएक्टर भी जो है वो नेचुरल यूरेनियम पे बेस करता है। तो नेचुरल यूरेनियम यूज़ करते हुए पिछली दफ़ा आपने देखा है पिछले टाइप में कि हमने गैस यूज़ की, और कनाडा यानी फ्रांस और ब्रिटेन वालों ने ये तरीका अख्तियार किया, और सेम टाइम पे कनाडा ने जो है मॉडल बनाया उसमें उन्होंने हैवी वाटर यूज़ किया। However, since the deuterium in D2O is twice as heavy as the hydrogen in H2O, D2O is not effective in moderating neutron as H2O. तो जो नॉर्मल लाइट वाटर है उसमें जो है वो हमें कूलेंट का भी काम देता है और मॉडरेटर का भी, जबकि हैवी वाटर जो है वो सिर्फ कूलेंट का काम देता है, वो मॉडरेटर का काम नहीं कर सकता, उसकी वो प्रॉपर्टी इतनी अच्छी नहीं है। द कोर ऑफ एन हैवी वाटर रिएक्टर इज देयरफॉर कंसीडरेबली लार्जर देन दैट ऑफ एन लाइट वाटर रिएक्टर, एंड इफ एन हैवी वाटर रिएक्टर इज बिल्ट लाइक एन लाइट वाटर रिएक्टर विद द फ्यूल Deep in a D2O filled pressure vessel, the vessel must be large.
तो इसी वजह से हमें जो है वो ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए होता है फॉर कूलेंट पर्पस, और इसलिए जो रिएक्टर वेसल है वो भी बड़ी होती है इसमें। ये एक कैंडू रिएक्टर का आपको स्कीमेटिक डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ। इसमें ये नीचे की जानिब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कोर है, हॉरिजेंटल ट्यूब्स हैं, इसके अंदर हॉरिजेंटल रॉड्स हैं जिनके अंदर जो है वो ये जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट हैं ये फ्यूल रॉड्स हैं। इनको फ्यूल रॉड्स का भी स्पेशल नेम है, हम अभी आगे बताएंगे। तो ये फ्यूल रॉड जो हैं वो इसके अंदर हैं और इन्हीं के दरमियान में से जो है वो हैवी वाटर गुजरता है, और वो हैवी वाटर जो है वो हीटअप हो के जो है ऊपर जाता है। जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे जो है स्टीम जनरेटर हैं, ये आपको इन्वर्टेड यू ट्यूब स्टीम जनरेटर नज़र आ रहे होंगे। ये दो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये चार से छः और आठ भी हो सकते हैं। तो ये जो है वाटर हैवी वाटर कूलेंट के तौर पे यहाँ से हीट अब्जॉर्ब करके यहाँ पे जाता है और यहाँ से फिर इन्वर्ट होके वापस की जानिब दूसरी ट्यूब से आ जाता है, फिर यहाँ से हीट अप होता है तो फिर इस प्रेशराइजर में चला जाता है, जनरेटर स्टीम जनरेटर में चला जाता है। तो इन सारी लूप में जिस तरह प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में हम एक प्रेशराइजर रखते थे सेम फंक्शन के साथ, यहाँ पे भी तमाम लूप की जो कंबाइनिंग पॉइंट है उस लूप के अंदर एक प्रेशराइजर रखा जाता है ताकि जो है वो हम प्रेशर को मेंटेन कर सकें, और ये उसी तरह मेंटेन करता है जिस तरह प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में रखा जाता है। टू अवॉइड द यूज ऑफ ए लार्ज प्रेशर वेसल द कैंडू यूटिलाइज द प्रेशर ट्यूब कंसेप्ट। यहाँ पे प्रेशर वेसल बड़ी नहीं होती, सिर्फ कंक्रीट की बनी हुई बिल्डिंग होती है, और जो रिएक्टर कोर है वो सिंपली मॉडरेटर मटेरियल के अंदर पड़ा होता है ट्यूब्स की शक्ल में। ये जैसे मैंने आपको दिखाया पिछली फिगर में भी और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये येलो कलर की ट्यूब्स हैं और इनके अंदर यहाँ पे जो है मैरून कलर के जो है वो फ्यूल रॉड दिखाए गए हैं। फ्यूल रॉड को जो है यहाँ पे फ्यूल बंडल भी कहते हैं, और जो ओवरऑल जो रिएक्टर कोर है जिसके अंदर ये सारे फ्यूल रॉड लगाए जाते हैं उसको हम कैलेंड्रिया कहते हैं। ये जो बॉडी है जिसके अंदर ये तमाम ट्यूब्स हैं इसको हम कैलेंड्रिया कहते हैं। इन दिस डिज़ाइन द रिएक्टर कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज हॉरिजेंटल सिलेंड्रिकल टैंक कॉल्ड कैलेंड्रिया, यानी ये बड़ा सा एक टैंक है जिसको हम कैलेंड्रिया कहते हैं, और इसके अंदर ये पाइपों की सूरत में जो है ये इसके अंदर हमने वो डाले हुए हैं फ्यूल बंडल, और इन्हीं के दरमियान इन फ्यूल बंडल में से इन्हीं पाइप के अंदर जो है वो फ्लो करता हैवी वाटर। दिस टैंक इज प्रेजेंटेड बाय सेवरल हंड्रेड हॉरिजॉन्टल ट्यूब और चैनल्स, ट्यूब भी कहते हैं चैनल भी कहते हैं, विच कंटेन द फ्यूल। द D2O कूलेंट फ्लो थ्रू दीज ट्यूब एट ए प्रेशर ऑफ 10 MPa एंड डज नॉट बॉयल। तो यहाँ पे जो है प्रेशर 10 MPa होता है और वो जो है इस प्रेशर पे जो है वो वाटर जो है हैवी वाटर वो बॉयल नहीं हो पाता। दस बाई प्रेशराइजिंग द कूलेंट रेदर देन होल रिएक्टर ए लार्ज प्रेशर वेसल इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये जो ट्यूब्स हैं ये जो पाइप्स हैं यही प्रेशर को कंटेन कर रहे होते हैं, सस्टेन कर रहे होते हैं, और आपको बड़ी प्रेशर वेसल की ज़रूरत नहीं होती। और ये टैंक भी जो है वो एक आम नॉर्मल टैंक होता है, इसको भी इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। द डी टू ओ इंटर इन द रिएक्टर एट द टेम्परेचर ऑफ अबाउट 266 डिग्री सेंटीग्रेड।
एंड एग्जिट एट 310 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 266 और यहाँ पे 310 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इट पासिस फ्रॉम द रिएक्टर टू ए हेडर दैट इज ए जंक्शन चैम्बर ऑफ फॉर द कूलेंट ट्यूब एंड देन टू एन इन्वर्टेड यू ट्यूब स्टीम जनरेटर वेयर द स्टीम इज प्रोड्यूस एंड कैरीड टू द टर्बाइन। तो ये जो है यहाँ से अगर आप देखें ये मुख्तलिफ पाइप्स जो हैं वो मुख्तलिफ चैनल से जाके एक जगह इकट्ठे होते हैं, कामन जाके बनते हैं और फिर वो जो कामन लिक्विड है वो इकट्ठा होके वो जाता है स्टीम जनरेटर के अंदर। स्टीम जनरेटर जो है वो इन्वर्टेड यू ट्यूब है, आप देख रहे हैं वो पहले इधर आएगा और फिर उसी तरीके से जैसे प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में है वो ऊपर और फिर डाउनवर्ड मूवमेंट करता हुआ अपनी हीट जो है वो फीड वाटर को देते हुए वापस जो है आ जाएगा, जहाँ से गैस सर्कुलेटिंग पंप जो है उसे दोबारा पंपिंग कर देगा इस बंडल के अंदर, और जो फीड वाटर है वो यहाँ से स्टीम बन के जो है टरबाइन की तरफ चला जाएगा। द कूलेंट देन रिटर्न टू द रिएक्टर पासिंग इन अपोजिट डायरेक्शन थ्रू एन एडजेसेंट फ्यूल ट्यूब वेयर इट इज हीटेड अगेन देयर फॉर फ्लोइंग टू ए सेकेंड स्टीम जनरेटर। जब वो यहाँ पे आएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में वो जो है मूव करेगा और फिर ये यहाँ से जो है इसी तरीके से एक और स्टीम जनरेटर होगा उसमें जाएगा। तो इस तरह ये दो दो का कपल होता है, एक तरफ से हीट अप हुआ इधर चला गया, इधर से आया इधर से घूमते हुए फिर दूसरे स्टीम जनरेटर में चला गया और इस तरीके से जो है ये मूव करता रहता है। इसके लिए अगर हम पीछे वाली पिक्चर को देखें तो ज़्यादा होगा, ये जैसे दो लूप्स का एक कपल दिखाया गया है। ये देखें यहाँ से ये हैवी वाटर मूव किया इधर, इधर से घूमते हुए वापस आया और फिर कब आया नीचे वाली लाइन में, और यहाँ से फिर जो है इसने इस तरफ गया ये दूसरे स्टीम जनरेटर में, जब यहाँ से हीट एक्सचेंज करके वापस आया तो फिर इसमें आ गया और फिर इस तरीके से इसमें चला गया। तो वो इन दो स्टीम जनरेटर के दरमियान जो है वो लूप की शक्ल में मूव करता रहेगा। द थर्मोडायनामिक एफिशिएंसी ऑफ द कैनडू प्लांट इज ओनली बिटवीन 28-30% एंड द कैनडू पावर स्टेशन मस्ट यूज लार्जर टर्बाइन विद स्पेशली डिजाइन ब्लेड्स टू प्रिवेंट इरोजन बाय वेट स्टीम। तो क्योंकि इसके अंदर जो है एफिशिएंसी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है और जो स्टीम है वो भी इतनी हाई टेम्परेचर अचीव नहीं कर पाती, तो उसके लिए फिर हमें ज़्यादा लार्ज ब्लेड वाली टर्बाइन्स चाहिए होती है जो कि स्पेसिफिकली इसके लिए डिज़ाइन की जाती है टू प्रिवेंट द इरोजन बाय वेट स्टीम। To avoid these problems, Canadians have experimented with other coolant with the same moderator, in particular boiling light water or organic fluid. The organic coolant is capable of providing an especially high outlet temperature from the reactor. However, both light water and organic fluid increase the total amount of neutron absorption in the reactor. तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए कि हमें स्पेशल टर्बाइन चाहिए होती है, जहरी बात है स्पेशल जो चीज़ डिज़ाइन होगी उसकी कास्ट भी ज़्यादा होगी, तो उसको ओवरकम करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए जिसमें हैवी वाटर के बजाय लाइट वाटर यूज़ किया गया और उसको उसी रिएक्टर के अंदर बॉयल होने दिया गया, तो उस सूरत में भी कामयाब नहीं हुए। और इसके अलावा ऑर्गेनिक फ्लूइड डिफरेंट किस्म के यूज़ किए गए जिनसे जो है हीट एक्सचेंजिंग कैपेसिटी बढ़ गई और बेहतर हीट एक्सचेंज रेट के साथ हमें बेहतर स्टीम मिलनी शुरू हुई, लेकिन साथ ही प्रॉब्लम ये हो गई कि ये वाले जो लिक्विड जब रिएक्टर में जाते हैं तो वो न्यूट्रॉन अब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं जिससे जो है
नेचुरल यूरेनियम बेस चेन रिएक्शन चलाना नामुमकिन हो जाता है। तो इसलिए इस आइडिया को फिर बाद में एक्सपेरिमेंट के बाद फ्लॉप करार दिया गया। दस नैदर ऑफ दीज कूलेंट प्रोवाइड सफिशेंट एडवांटेज ओवर D2O कूलेंट टू बी अडॉप्टेड इन कैंडू एज लॉन्ग एज दीज आर फ्यूल्ड विद नेचुरल यूरेनियम। यानी कि या तो फिर अगर ये नेचुरल यूरेनियम यूज़ करनी है तो फिर लाइट वाटर या ऑर्गेनिक फ्लूइड हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने ऑर्गेनिक फ्लूइड यूज़ करके बेहतर एफिशिएंसी अचीव करनी है तो फिर दूसरा वे ये है कि फिर जो है यूरेनियम जो है वो इनरिच कर ली जाए। तो ये भी एक अच्छा सलूशन है और कुछ जगह पे ये अडॉप्ट किया गया है। कैंडू फ्यूल्स इज अरेंज इन व्हाट कैनेडियन कॉल्ड बंडल, वन ऑफ विच शोन इन द फिगर। ये फिगर में आप देखें तो ये आपको एक सिलेंड्रिकल शेप में, लेकिन हर एक जो है इसके अंदर आपको सर्कुलर शेप में अलहदा अलहदा नज़र आएगा। छोटे छोटे ब्रीक ब्रीक जो हैं वो फ्यूल राड्स हैं और वो एक सिलेंड्रिकल शेप में अरेंज किए गए हैं, आपस में उनको वेल्ड करके इकट्ठा कर दिया गया है। तो ये पूरा जब वो बनता है तो इसको हम बंडल कहते हैं। इट इज़ ए 49.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, तकरीबन 1.5 फुट आप कह सकते हैं, 30 सेंटीमीटर जो है वो 1 फुट होता है और 45 का 1.5 बना, तो 1.5-2 सेंटीमीटर जो है वो लंबा होता है एंड 10.2 सेंटीमीटर इन डायामीटर, और डायामीटर इसका 10.2 सेंटीमीटर है। एंड कंसिस्ट ऑफ 37 हॉलो जर्कले ट्यूब फील्ड विद नेचुरल यूरेनियम UO2 पैलेट्स। तो हर एक ये जो एक आपको पाइप सा नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एक ट्यूब है। हर ट्यूब के अंदर जो है वो ये जर्कले की बनी हुई, जर्के हम पहले बता चुके हैं कि जिरकोनियम अले है, उसकी बनी हुई मेटल की बनी हुई ये ट्यूब्स हैं और इनके अंदर जो है